देखो हम लोगों का ये ग्राउंड, बाकी चलो भाई इस पे चलते हैं भाई, बट ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई क्या सीन है यार, भाई फील करो इस सीन। ये देखो भाई टेस्ट करते हैं अरबापुर की फेमस चाट कैसी है। जो पहले तो हम लोग खा चुके भाई, बट ये मेरे सब्सक्राइबरों की तरफ से है। लाजवाब भाई। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आप लोग हम लोग बहुत बढ़िया वाले बच्चे गाइस। सो अभी जो टाइम हो रहा है 3:30 हो रहा है दोपहर के, थोड़ा लेट ब्लॉग स्टार्ट हुआ आप लोग का, सो उसके लिए सॉरी गाइस। बट आज ब्लॉग आ गया है, सो आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला होगा आपको। तो आज का ब्लॉग को भी शुरू करते बिना किसी देरी के, ये वाला ब्लॉग भी अच्छा लगे आपको तो ब्लॉग जल्दी अच्छा लगे उसके लिए लाइक कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर देना। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस अभी कुछ टाइम से मैं जो है लैपटॉप पे एडिटिंग सीख रहा था। सो एडिटिंग मतलब अभी ज़्यादा दिन सीख रही, बस एक दिन ट्राई कर रहा था भाई। तो क्योंकि बोल रहे थे लोग कि एडिटिंग लैपटॉप से किया करो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और ये वो, और स्टोरेज का भी थोड़ा वो रहता है। तो अभी खैर फ़ोन में तो मेरे स्टोरेज है, बट लैपटॉप का मैं देख रहा था एडिटिंग कुछ सीख रहा था मैं लैपटॉप से। तो अभी मैंने VN एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, बहुत लोग जानते हो VN एप्लीकेशन जो एडिटिंग एप्लीकेशन है। तो उसको दिखाता हूँ मैं आपको लैपटॉप में यूज़ हो पा रहा है कि नहीं, या कैसे दिखाता हूँ। अभी मैं सीख रहा हूँ, बट कल ही मैंने इंस्टॉल की थी, और अभी एक दो दिन लगेगा उसको, मतलब लैपटॉप में और फ़ोन में करने में काफ़ी फ़र्क होता है। तो वो दिखाते हैं आपको अभी। तो आज देखो VN एप्लीकेशन हमारी अब ओपन हो रही है। थोड़ा भाई इसमें यही है ब्लू स्टैक, पता नहीं क्या क्या है भाई इसमें, ये भी ओपन करो वो करो। ये देखो भाई इसमें ऐसे आ जाता है, बस सीधा प्लस पे जाओ। हाँ भाई हो गया, देखो प्लस पे जाओ, फिर न्यू प्रोजेक्ट, फिर आपकी जो भी वीडियो यहाँ से सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर जाकर एडिट कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल के लिए ये देखो मैंने, ये भाई 2-3 बार क्लिक किया उसी से हुआ। ये देखो मैंने डिफ़ॉल्ट में ये लिया था, बस एक ब्लैक बैकग्राउंड था, उस पर टेक्स्ट था, बस वही लिया था। देखो इसमें जाके पूरे जो फ़ोन में फंक्शंस होते हैं तो पूरे इसमें दिख रहे। देखो यहाँ जाके एडिटिंग वगैरह और ट्रिम वगैरह कर सकते हो अपना, एंड कुछ भी कर सकते हो, और बढ़िया है। VN में पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, बट लैपटॉप पर यूज़ किया था, इसीलिए थोड़ा भी नया हूँ इस पर। तो इस पर सीख रहा हूँ भाई अभी मैं, जब इस पर सीख जाऊँगा तो इसी पर वीडियो एडिटिंग हुआ करेगी फिर अपने लैपटॉप पर। सो गाइस अभी देखो बारिश हो रखी, तो वेदर कितना अच्छा हो रखा है, एक सेकंड ऐसे नहीं रुकेगा, बैक कैमरा से दिखाता हूँ मैं आप सभी को, वेदर जो बहुत अच्छा रखा है भाई लोग। ये देखो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं भाई, वेदर देख रहे हो कैसा हो रखा है, इतनी भयंकर हवाएं चल रही है। देखो वेदर देखिए भाई आप लोग, पूरे बादल हैं, एंड वेदर देखो कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। बाकी ठीक है भाई, वेदर ऐसे अच्छे लगते हैं जो धूप ना हो, एकदम बढ़िया ठंडा माहौल हो, वेदर ऐसे ही अच्छे लगते हैं भाई। सो गाइस चलो अभी चलते हैं बाहर कहीं घूम कर आते, क्योंकि सुबह से बैठे बैठे घर में बोर हो रहा है हम लोग। चलो कहीं घूम कर आते भाई बाहर, अभी अपने घर की तरफ ऑफ करते हैं, चलते बाहर। हाँ सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर के बाहर अपने, और बाकी वेदर जो है बहुत अच्छा हो रखा है। तो बस जस्ट लाइक हम लोग आए थे घूमने के लिए, ऐसे घूमने ने बड़ा टहल लिया, तो भाई हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉलेज के टाइम पे कुछ टहलने को मिलता नहीं भाई, बस घर पे बैठे रहो, कॉलेज से आओ फिर 7 बजे फिर कॉलेज से आओ, उसके बाद भाई थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद फिर पढ़ो फिर सो जाओ, फिर अगले दिन छुट्टी। इसीलिए 2 दिन छुट्टी, तो आज हम संडे को आए। बाकी वेदर दिखाते हैं आपको अभी, बस ये देखो वेदर ऐसा हो रखा है यहाँ का भी,
अपनी तरफ का वेदर देखो, ये हो रखा अभी बहुत तगड़ा वेदर है। एट अभी 5 बज रहे हैं शाम के, पीछे के बढ़िया वेदर में टहलने निकल गए हम लोग। बाकी देखो भाई, जानवर आनवर सब दिखेंगे आपको मेल में, इतना शेर चीता सब दिखेंगे। बाकी एक जानवर का भी आप लोग ब्लॉग ही देख रहे हो, ठीक है एडजस्ट कर लो। बाकी ये देखो, ये अपना पुराना ग्राउंड है, और भाई जो अपना पुराना स्टेडियम था वो खुल गया भाई, अभी मुझे पता चला है जो पुराना स्टेडियम था वो खुल गया अपना। सो गाइस देखो, ये ग्राउंड है हम लोगों का, जहाँ हम लोग बहुत टाइम से खेलते हैं भाई। जब हम लोगों का वाला ग्राउंड बंद हो गया था तो हम लोग यहीं पे आते थे। देखो एक ये ग्राउंड हम लोगों का है, हम लोग वाला है जहाँ पे हम लोग खेलते हैं। ये वाली पिच पे नहीं, हम लोग वाली पिच पे खेलते थे। और देखो ये वाला ग्राउंड है, ये देखो भाई पानी भरा हुआ है यहाँ पे। एंड ग्राउंड की हालत अभी ठीक नहीं, क्योंकि अभी मानसून नहीं भाई, सावन चल रहा है, पानी भाई बहुत गिर रहा है इस टाइम। और देखो भाई अभी भी मौसम जो बिगड़ा हुआ है पानी वाला, देखो अभी भी काले बादल हैं। एंड मैचेस अभी भी चल रहे हैं यहाँ पे, और आई होप दूसरे वाले ग्राउंड पे भी मैच चल रहे हैं, तो वहाँ भी चलेंगे हम लोग। वो आपको दिखाता हूँ, मैं बहुत टाइम से वहाँ नहीं गया, चलते भी थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरे ग्राउंड से बाहर, एंड अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं जो हमारा पहला ग्राउंड, मतलब पहला ग्राउंड है जो हम लोगों का मेन ग्राउंड था, वहाँ पर आपको ले कर चलते थे। और वहाँ का दिखाते भाई, पहले तो बंद था, ये इशू हो गया था कि गवर्नमेंट के लोग जो ऐसे वहाँ आ पाएंगे, बट अब जो खुल गया तो अभी वहाँ चलते हैं आपको लेके हम लोग। बाकी भाई गाइस कुछ टाइम बाद मैं सोच रहा हूँ कोई बाहर सिटी का ब्लॉग बनाए, जैसे हम लोगों ने आगरा का ब्लॉग शूट किया था अकेले निखिल के साथ, तो सोच रहे इस बार भी जाएँ। बाकी अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों का दिल्ली का प्लान बना था, तो वहाँ भाई प्लान यार पता नहीं किसकी नज़र लग गई कैंसिल हो गया वो प्लान। तो उसके बाद उसके बाद ये हुआ था कि पता नहीं भाई किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया, प्लान ही कैंसिल हो गया भाई। वो टिकट हो गई हम लोगों की, जाने वाले थे पठान, मौके पे पता नहीं ऐसा कुछ हुआ, प्लान ही कैंसिल करना था भाई। टिकट भी गई हम लोगों की, 2 टिकट हुई थी और दोनों की टिकट के पैसे गए, कुछ रिफंड नहीं। बाकी भाई कोई गाइस ने अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन में हम लोग को छुट्टी मिलेगी, लंबी छुट्टी हम लोग को मिलेगी रक्षाबंधन के पहले, कम से कम 1 हफ्ते की लगभग मिलेगी। तो उसमें सोच रहे भाई कवर अप करें हम लोग कहीं जाकर, एक 2-3 दिन रहें कहीं पे जाके भाई। तो आप लोग सजेस्ट करना कहाँ पे जाना चाहिए हम लोगों को, मैं एक पोल रख दूंगा यूट्यूब पर, तो आप लोग सजेस्ट करना कहाँ पे जाना चाहिए हम लोगों को। बाकी गाइस ये देखो वेदर, आप लोग वेदर एंजॉय करो भाई, क्या वेदर हो रखा, क्या रोड हो रखी है। सो गाइस देखो हम लोगों का ये ग्राउंड आर मरीना स्टेडियम भाई। सो यहाँ पे पहले हम लोग बहुत खेला करते थे, देखो अब बहुत दिन बाद आए भाई, बट ये पहले ये भाई एक टाइम पे बंद हो गया था, बट अब खुल गया। ये देखो व्यू एंजॉय करो भाई। गाइस ये देखो व्यू एंजॉय करो गाइस, ये देखो क्या बढ़िया भाई सीन हो रखा है भाई। ये देखो यहाँ पहले पूरा बैठने वाला सिस्टम था यहाँ पर भी, और हर जगह ये देखो, बट अब उतने मैच नहीं होते यहाँ पे, पर पहले बहुत होते थे यहाँ पे मैच। ये देखो गाइस यहाँ पे हर तरफ आपको मिलेंगे, सामने देखो स्कोर बोर्ड काउंट होता था वहाँ पे, वहाँ कमेंट्री होती थी, बहुत मैचेस खेले भाई यहाँ पे हम लोगों ने। बाकी गाइस देखो अभी भी कुछ खुला है, पहले बंद हो गया था अभी कुछ टाइम के लिए, देखो अभी केयर उतनी हो नहीं रही थी, देखो ग्राउंड बढ़ गए इस ग्राउंड के, जब इसकी केयर भाई होने लगेगी ठीक से तो वापस ये ठीक हो जाएगा। अभी देख रहे हो बीच के अभी फिलहाल घास काट दी गई किनारे, बट वैसे ही अभी। और भाई इस तरफ भी एक पिच थी, इस तरफ भी एक पत्थर वाली पिच थी, मुझे याद है देख रहे हो पीछे बैठने वाला था, यहाँ पे एक पत्थर वाली पिच थी, यहाँ भी बहुत खेले, बीच पर थी और एक किनारे थी भाई, वो बास्केटबॉल वाला था पर वहाँ भी हम लोग मैच खेले। एंड यहाँ देखो कमेंट्री वाला बना हुआ था, एक सॉरी स्कोर बोर्ड था, ये स्कोर बोर्ड था, वो देखो कमेंट्री वाला। तो गाइस चलो देखते हैं पत्थर वाली पिच अभी अपनी भाई, पता नहीं घास है कि क्या है भाई, देखते चल के, वो घास ना हो भाई। ओ भाई 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 भाई, भाई ये देखो, ये देखो देखा गाइस, भूला था मैंने यहाँ पे पत्थर वाली पिच थी। अरे भाई साहब भाई, मानोगे 4 साल बाद इस पिच पे कदम रख रहा हूँ भाई, 4 साल बाद ये पिच एकदम भूल ही गए थे भाई हम लोग।
4 साल पहले इस पिच पे कदम रखा था भाई, देख रहे हो पूरी खांसे यहाँ उग गई हैं। पीछे एक टाइम पे बंद हो गई थी भाई पूरी, दिख नहीं, बट अब देखो शायद इसकी कटाई हुई भाई। बहुत तगड़ा फील हो रहा भाई 4 साल बाद इस पिच पे कदम रख के भाई। जो क्रिकेट लवर होंगे वो जरूर जानते होंगे भाई इस फीलिंग को, ये देखो। बाकी चलो भाई इस पे चलते हैं, इस पे बहुत दिन हो गए हम लोग नहीं गए थे भाई, इस पे पूरा हम लोग चढ़ते थे बैठते थे, बहुत बढ़िया हवा आती भाई इस पे। चलो इस पे चलते हैं अभी हम लोग। चलो भाई देखो यहाँ पे भी भाई घास बहुत हो रखी है। चलो भाई अभी भाई देखो बारिश भी आने लगी धीरे धीरे, तो जल्दी चलते हैं भाई, ये तो बारिश तेज़ हो जाएगी। धीमे धीमे बारिश आने लगी और ये देखो भाई घास देख लो कितनी ज़्यादा हो रखी भाई, चलने में भी दिक्कत। एंड ये देखो, चलो लेट्स गो। एंड ये देखो भाई इसके पीछे भी बगल में भी ग्राउंड है, देखो जब ये बंद था तो वहाँ इवेंट, ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई क्या सीन है यार, भाई फील करो इस सीन को। ये देखो भाई सामने की तरफ ग्राउंड है, ये देखो वहाँ भी हम लोग खेलते जब ये ग्राउंड बंद था। एंड सामने देखो भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है पूरे ग्राउंड का, ये देखो क्या भाई मस्त नंबर वेदर रखा है। ये देखो भाई वेदर इंजॉय करो भाई भाई साहब लोग। बाकी भाई ये देखो मैं एकदम ऊपर बैठा हुआ हूँ इसके, एंड बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत तगड़ा वेदर हो रखा है। बाकी फ़ोन देखो मैंने अपने दोनों हाथ से होल्ड रखा है क्योंकि फ़ोन हवा जो है बहुत तेज़ चल रही है भाई, और अगर मेरे जहाँ दिख छूटा मेरे हाथ से फ़ोन भाई तो सीधा यहाँ से इसकी भाई हाइट क्या होगी 60-70 फुट होगी भाई इसकी हाइट, तो यहाँ से सीधा मेरा फ़ोन नीचे गिरेगा। एंड इसकी हाइट दिखाते हैं भाई, भी भाई नीचे ग्राउंड है इसलिए ज़्यादा हाइट दिख नहीं होगी। बाकी देखो सामने की तरफ आपको नज़ारा दिख रहा होगा, तो हाइट मेजर कर लेना आप लोग, बाकी ऊपर इसलिए हाइट कम दिख रही होगी। तो गाइस बहुत टाइम बाद अपने इस ग्राउंड पर आकर एक जो अलग वाइब आ रही है उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। जो क्रिकेट लवर होंगे वो जरूर जानते होंगे इस फीलिंग को कि आप अपने पुराने ग्राउंड पर जाओ जहाँ खेलते थे उस पिच पर जाओ तो क्या वाइब आती है, तो एक अलग ही फीलिंग्स आती भाई उस टाइम। बाकी अभी थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर एंड निकलते भाई, क्योंकि भूख लगी बहुत तेज़, तो अपने चलेंगे सीधा मार्केट खाने, तो वहाँ चलते अभी थोड़ी देर में, बस अभी थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे। सो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं ग्राउंड से, तो अभी चलते हैं मार्केट, कुछ खा कर आते भाई क्योंकि भूख लगी बहुत तेज। चलो भाई चलते हैं, बहुत दिन बाद मार्केट में आए तो चलो कुछ खा कर आते, बढ़िया चाट मिलती है मार्केट में बहुत फेमस बॉम्बे की, तो वहाँ चलते भाई। तो गाइस देखो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने अरमापुर की तरफ की मार्केट में, तो चलो अंदर चलते भाई कुछ खा कर आते हैं, भूख लगी हुई सब चलता इस पर लगता चलने में, तो चलो सामने फेमस चाट मिलती बॉम्बे की तो वहाँ चलते हैं। देखो सामने की तरफ है बॉम्बे चाट, यहीं चलते भाई फेमस चाट खाने के लिए, यहीं पे करते ऑर्डर। धन्यवाद अंकल जी। तो गाइस अभी टेस्ट करते हैं अरमापुर की फेमस बॉम्बे चाट, ऐसे टेस्ट तो कर लूँगा भाई, पहले भी बहुत अच्छी बनती है यहाँ की चाट। देखो ये लोकेशन है अरमापुर बाज़ार के अंदर, तो आप लोग भी आना भाई टेस्ट करने एक बार ज़रूर। तो भाई चलो टेस्ट करते हैं अरमापुर की फेमस चाट कैसी है। तो पहले तो हम लोग खा चुके भाई, बट ये मेरे सब्सक्राइबरों की तरफ से है। लाजवाब भाई बहुत तगड़ी स्वाद, बहुत तगड़ा स्वाद है चाट का, ये एकदम हर चीज़ परफेक्ट रेशियो में डाला गया, मसाले हो या फिर चटनी हो हर चीज़ परफेक्ट रेशियो में। तो आप कभी भी अरमापुर मार्केट हो या अरमापुर आओ तो यहाँ की चाट जरूर करना, बॉम्बे चाट वाले के यहाँ अंकल जी का फेस मैंने दिखा दिया, तो ज़रूर आना आप लोग यहाँ पे भी खाने के लिए। कभी भी आप अरमापुर आ रहे हो तो अरमापुर मार्केट आ रहे हो घूमने, ज़रूर आना भाई मेरी, अगर मैं मेरी वीडियो देख रहा हूँ तो ज़रूर आना।
तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले घर की तरफ, अंधेरा होने वाला है, 7:30 होने वाले अभी, बट अभी अंधेरा पूरी तरह से नहीं हुआ है, होने वाला है, बस अभी चलते हैं, 10 मिनट लगेगा मेरे पहुँचने में, तो चलते अभी घर की तरफ हम लोग। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर पर वापस, एंड आज के ब्लॉग को टाइम हो गया एंड करने का, तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को लाइक जरूर से करना, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जो सब्सक्राइब कर देना, बाकी मैं पोल रख दूंगा कि हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए, तो वो आप अपना रोल जरूर रख देना, अपना ओपिनियन। तो आज के ब्लॉग पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।